तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, हम लोग जो है डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग क्लास के बारे में, जावा के स्ट्रिंग क्लास के बारे में, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, क्योंकि बेसिकली अगर आपको स्ट्रिंग समझ में आ जाएगा तो स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर बहुत ही सिंपल है, वो हम बहुत ही जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। आप देखिए, जावा के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है। जावा जी मतलब JDK के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं जो हम लोग जो है बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, बट स्टिल हमें स्ट्रिंग क्लास को अलग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों है वो अभी आपको समझ में आएगा कि स्ट्रिंग क्लास को हमें अलग से क्यों कर पढ़ना पड़ता है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक्स्ट्रा क्या है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाकी क्लासेस के अंदर नहीं है। तो चलिए उन सब चीज़ों को वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले जो है समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या है, ठीक है। जावा के अंदर बेसिकली स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर आपने जो है सी या सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, या स्ट्रिंग की डेफिनेशन वहाँ पे कुछ इस तरीके से दी जाती है कि स्ट्रिंग इज ए कैरेक्टर एरे, राइट। बट जावा के अंदर स्ट्रिंग बेसिकली ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जब भी आप स्ट्रिंग लिखते हैं किसी भी तरीके से, जब भी आप स्ट्रिंग लिखते हैं, तो आप या आपके लिए आपका JVM स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। स्ट्रिंग होता क्या है, डबल कोट्स के अंदर अगर आप कुछ भी जावा के अंदर लिखते हैं, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हैं, ओके, तो जावा उसको स्ट्रिंग कंसीडर करता है, ओके। ये ध्यान में रखिएगा। अब जो है एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जावा के अंदर स्ट्रिंग क्रिएट करने के दो तरीके हैं, ओके। पहला तरीका क्या है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगर आपने ऐसा अपने प्रोग्राम के अंदर लिखा है इस तरीके से, क्या लिखा आपने, ब्रैकेट सम स्ट्रिंग एंड ब्रैकेट क्लोज, राइट। इस तरीके से अगर आपने लिखा हुआ है, तो बेसिकली आपका JVM आपके लिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। जब भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे, बेसिकली आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब जावा के अंदर दो तरीके से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि पहला तो आपको पता ही है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हमेशा आप क्रिएट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको जो है न्यू ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, न्यू यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी तक देखा है कि जब भी आप जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका JVM आपके लिए जो है हीप में मेमोरी एलोकेट करे, तो आप हमेशा न्यू यूज़ करते हैं, ओके। अब स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी कोई भी हो, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है स्ट्रिंग, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है, न्यू एंड देन क्लास का नेम एंड देन कंस्ट्रक्टर कॉलिंग जो होता है, अगर आप कुछ पास नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, आर्ग्यूमेंट में कुछ पास कर सकते हैं आप। इसके अंदर जो है इस तरीके से कोट्स लगा करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अगर आप एक ये स्टेटमेंट लिखते हैं,
तो बेसिकली आपका जेवीएम आपके लिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ओके, जावा के अंदर एक और तरीके से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। आप क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो मैं इसको जो है एक स्ट्रिंग रेफरेंस के अंदर असाइन कर सकता हूँ। S1 कोट्स ओके। जावा के अंदर दो तरीके से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, इस तरीके से भी क्रिएट होते हैं और इस तरीके से भी क्रिएट होते हैं। सो ये दो तरीके हैं जावा के अंदर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के। बट ये दोनों ही तरीकों में, ठीक है, दोनों ही तरीकों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। और आज का जो सेशन का मेन एजेंडा है वो यही है कि इन सब चीज़ों को समझा जाए, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहूँगा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इन दो तरीकों से जावा के अंदर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप कभी भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इसे कहा जाता है एक्सप्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। सो मैं जब समझाऊंगा तो बहुत सारे जब कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा तो कई बार मैं जो है एक्सप्लिसिट स्ट्रिंग बोला करूंगा, तो आप ये समझ लीजिएगा आप एक्सप्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जब मैं बोलूंगा तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से क्रिएट किया गया है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, मीन्स न्यू स्ट्रिंग यूज करके। दूसरा जो तरीका है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का वो ये वाला है। ओके, स्ट्रिंग एस टू इक्वल्स टू कॉमा मीन कोर्स हाय। इस केस में भी आपका जेवीएम एक्चुअली आपके लिए एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी डिफरेंस होता है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर आप इस तरीके से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस तरीके से, ओके, तो हम कहते हैं कि हमने इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर जो है सिर्फ आपने डबल कोट्स के अंदर जो है स्ट्रिंग वैल्यू लिख दी तो इसे कहा जाता है इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, और अगर आपने न्यू स्ट्रिंग यूज़ किया हुआ है प्रॉपरली जैसे ऑब्जेक्ट्स नॉर्मली क्रिएट किए जाते हैं तो हम उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और अब इसको जो है स्ट्रिंग को जो है समझना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और जो क्रिएट किया हमने, कैसे मैं आपको समझाऊं, ठीक है, चलिए इस तरीके से करते हैं। ओके, अब आइए चलिए देखते हैं। अभी अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो बताइए इन दोनों का क्या आउटपुट आएगा।
अभी तक तो मैंने आपको जो भी कुछ बताया है उसके हिसाब से इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने शायद पिछले सेशन के अंदर जो है इक्वल्स मेथड और इक्वल ऑपरेटर के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने आपको समझाया था दोनों में क्या फंडामेंटल डिफरेंस होता है और वो दोनों कैसे जो है जेवीएम उनको एग्जीक्यूट करता है, राइट? आइए इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं आउटपुट क्या है, फिर इसको समझते हैं। देखिए आउटपुट क्या है। आउटपुट है आपका फॉल्स एंड ट्रू। ओके, अगर ये आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इक्वल ऑपरेटर हमेशा दो रेफरेंसेस के अंदर जो बिट पैटर्न पड़ा है सिर्फ और सिर्फ उसको चेक करता है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के एक्चुअल वैल्यूज को या वैल्यूज के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लेता, एक्चुअल ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के वैल्यूज को चेक नहीं करता। अगर ये आपको याद हो तो मैंने ऐसे ही आपको बताया था, राइट? यस, आपको सही याद है और वो एकदम सही है। अगर हम वो कॉन्सेप्ट लगाएं यहाँ पे तो पहला आउट जो फर्स्ट प्रिंट एलन का जो आउटपुट है वो फॉल्स है, एंड दैट मेक सेंस बिकॉज S1 जो है एक अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, S2 एक अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, सो इट हैज टू बी फॉल्स, राइट? दूसरे स्टेटमेंट में आ जाइए। दूसरे स्टेटमेंट में आपने क्या लिखा है, S2 इक्वल्स इक्वल्स S3, S2, राइट? इक्वल्स इक्वल्स S3, इसका आउटपुट ट्रू है। इसका जो आउटपुट है वो ट्रू है। और दोस्तों दिस इज फ्रॉम वेयर अ प्रॉब्लम गेट स्टार्टेड, ठीक है? और हमें आज इसी चीज को समझना है। ये जो आउटपुट आपका है ये फॉल्स है, हमें ये समझना है कि ये आउटपुट हमारा सॉरी ट्रू क्यों है। पहला आउटपुट जो है वो फॉल्स है, वो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है? बट ये जो दूसरा स्टेटमेंट है सेकेंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन है, इसका जो आउटपुट है ये एक्चुअली क्या होना चाहिए था हमारे हिसाब से, जो हमने पढ़ा है फॉल्स होना चाहिए था क्योंकि S2 अलग ऑब्जेक्ट है और S3 अलग ऑब्जेक्ट है। बट इसका जो आउटपुट है वो देखिए क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है? अब क्योंकि आपके जेवीएम ने आउटपुट रन करके इसको दिया, इस प्रोग्राम को रन किया और फिर उसका आउटपुट दिया है तो वो तो सही होगा। तो चलिए देखते हैं कि वो ट्रू क्यों है, सेकेंड स्टेटमेंट में ट्रू क्यों प्रिंट हुआ है और फर्स्ट स्टेटमेंट में फॉल्स क्यों प्रिंट हुआ है। ओके, अब उस पॉइंट के ऊपर आने से पहले या हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें और पूरी जो है कहानी को समझें, उससे पहले देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, फिर से याद दिला दूँ कि ये जो पहली स्टेटमेंट में आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, आपने यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया है बट आपने एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, राइट? क्योंकि यहाँ पे आपने न्यू लगाया हुआ है, न्यू स्ट्रिंग। बट देखिए सेकेंड ऑपरेशन में, सेकेंड लाइन में जो है आपने न्यू ऑपरेटर या न्यू कीवर्ड का यूज नहीं किया है, राइट? न्यू कीवर्ड का यूज नहीं किया है, गॉट इट? थर्ड स्टेटमेंट में भी देखिए आपने न्यू कीवर्ड का यूज नहीं किया है। अब अगर आपने न्यू कीवर्ड का यूज नहीं किया है तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से जब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आपका जेवीएम क्रिएट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। सो पहली स्टेटमेंट में एक्सप्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में आपके इस प्रोग्राम के अंदर इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
जो आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका जेवीएम क्या करेगा? उप्स, गलती से मैंने वो सब कुछ ही हटा दिया। फिर से बनाता हूँ। चलिए, जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका जेबीएम क्या करेगा? एक स्टैक क्रिएट करेगा, एक हीप क्रिएट करेगा, ओके, और मेथड एरिया क्रिएट करेगा। वो सब हमने पढ़ लिया, फिर अभी मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ओके। ये क्रिएट करने के बाद आपका जेबीएम जो है सबसे पहले क्या करेगा? मेन थ्रेड क्रिएट करेगा, और मेन थ्रेड क्रिएट करेगा, ओके। और मेन थ्रेड क्रिएट करने के बाद व्हाट इट विल डू, मेन मेथड को कॉल कर देगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ऐसा हो जाएगा, ओके। अभी आप जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए आपने क्या किया है, आपने अपने जेवीएम को बोला न्यू स्ट्रिंग हेलो। क्योंकि जावा के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है स्ट्रिंग, आपका जेवीएम क्या करेगा? एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, राइट, और उसके अंदर क्या डाल देगा? हेलो। और ये ऑब्जेक्ट उसने कहाँ क्रिएट किया है? हीप के अंदर। और उस मेमोरी का जो रेफरेंस है वो रिटर्न करके कहाँ पे डाल देगा? S1 के अंदर। S1 आपका जो S1 आपका एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होगा स्टैक के अंदर, और वहाँ पे क्या होगा आपका 011 से सपोज, और ये इसको रेफर करेगा इस हेलो ऑब्जेक्ट में, ओके। आपका जब फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ऐसा होगा, राइट। आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपका जो है जेवीएम जब एक्सप्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है, एक्सप्लिसिट मतलब जब आपने न्यू स्ट्रिंग लिखा हुआ है, न्यू कीवर्ड लिखा हुआ है, और जो है स्ट्रिंग क्लास लिखी हुई है, न्यू स्ट्रिंग आपने जब लिखा हुआ, तो जेवीएम आपके लिए सोचता है कि बंदे ने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और वो जो प्रोसीजर है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का वो कैसा है? एक्सप्लिसिट। आपका जेवीएम आपके लिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है हीप के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉग। आपका जेवीएम जो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आपके लिए कहाँ क्रिएट करता है? हीप के अंदर। कहाँ क्रिएट करता है? हीप के अंदर। कहाँ क्रिएट करता है? हीप के अंदर। इसको ध्यान रखिएगा, ओके। जब आप एक्सप्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ऐसा हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए आप। अभी जब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा? क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा कि सेकंड स्टेटमेंट में अगेन आप एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट इस टाइम आप इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आपका जेवीएम जो है आपके लिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, बट वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जो प्रोसीजर है, मेथड, वो कौन सा है? इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग नहीं लगाया हुआ है, ओके। अब आज हम जो है एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। आपका ये जो स्ट्रिंग, आपका जो ये हीप है, आपका ये जो हीप है, इस हीप के अंदर ही एक पार्ट होता है, राइट, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग पूल। स्ट्रिंग पूल आपके जेबीएम में ही एक हिस्सा है, ठीक है। नाउ से सपोज दिस वन, राइट, आपका जेबीएम क्या करेगा?
आपका जेवीएम क्या करता है, जब भी वो इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, मीन्स आपने न्यू स्ट्रिंग नहीं लिखा हुआ है तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ। जेवीएम जब भी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो वो ऑब्जेक्ट्स को कहाँ पे क्रिएट करता है, कहाँ पे क्रिएट करता है, स्ट्रिंग पूल में। जेवीएम आपके लिए जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है, ठीक है, इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, वो कहाँ पे क्रिएट करता है, स्ट्रिंग पूल में, स्ट्रिंग में नहीं क्रिएट, हीप में क्रिएट नहीं करता है, वो स्ट्रिंग पूल में करता है। ध्यान में रख लीजिए, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सो आपका जेवीएम जब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये इम्प्लिसिट तरीके से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, तो आपका जेवीएम क्या करेगा, स्ट्रिंग पूल के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और इसका नाम क्या रखेगा, हेलो। ओके, ये देखिए आपका स्ट्रिंग फूल है, ठीक है। आपके जेवीएम ने जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो कहाँ क्रिएट किया है, स्ट्रिंग पूल के अंदर। क्यों स्ट्रिंग पूल के अंदर क्रिएट किया, हीप के अंदर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। इम्प्लिसिट क्यों है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली ये न्यू स्ट्रिंग नहीं लिखा हुआ, आपने सिर्फ कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिख दी है। ओके, यहां तक समझ में आया। इसके बाद जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम इस मेमोरी लोकेशन का जो रेफरेंस है वो कहां स्टोर कर देगा, एस टू के अंदर। अगेन आपका एस टू कहां क्रिएट होगा, स्टैक के अंदर, से सपोज 1 1 1। तो हम और हम क्या कहेंगे, एस टू हमारा इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। आर यू गुड, यस, ओके। इतना ही काम नहीं होता है, काम इसके आगे भी है। अभी तक आपने काफी चीजें हमने इससे पहले ही पढ़ी हुई थी, बट एक नई चीज अभी हमने पढ़ी, वो ये है कि जेबीएन जब भी इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है वो हमेशा कहाँ क्रिएट करता है, स्ट्रिंग पूल के अंदर क्रिएट करता है। इसका फिर उसका मेमोरी का रेफरेंस जो है वो एस टू में डाल देगा और ये इसको पॉइंट करने लगेगा। बट यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है ये लिस्ट। होता क्या है, आपका जेवीएम जब भी इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, आपका जेवीएम जब भी इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है तो उसके पास एक इंटरनल लिस्ट होती है जिसके अंदर वो उस रेफरेंस को सेव करके रखता है। ओके, फिर से बोल रहा हूं, जेवीएम के पास एक इंटरनल लिस्ट होती है, इसको कहा जाता है इंटरनल लिस्ट। और ओके, आपका जेवीएम जितने भी इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है कहाँ पे, स्ट्रिंग पूल के अंदर, वो उन सारे ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस एक लिस्ट के अंदर मेंटेन करके रखता है जिसका नाम होता है इंटरनल लिस्ट। अभी ये जो स्टेप हमने पढ़ा था कि आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस मेमोरी का रेफरेंस एस टू के अंदर जाएगा, आ जाएगा। इतना होने के बाद आपका जेवीएम, ये जो रेफरेंस था 1 1 1, इस रेफरेंस को इस इंटरनल लिस्ट के अंदर भी स्टोर कर देगा, 1 1 1, ठीक है। और से सपोज इसके अंदर और भी बहुत सारे ऐसे जो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, रेफरेंस मतलब पड़े हुए हैं, तो इस तरीके से इसके अंदर रेफरेंसेस स्टोर होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपको एग्जांपल दिया 1 1 1। ओके, इस लिस्ट को कहा जाता है इंटरनल लिस्ट और इस प्रोसीजर को कहा जाता है इंटर्निंग। ओके, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपका जेवीएम इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट 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 क्रिएट करता है, ठीक है, जब भी आपका जेवीएम
इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो वो स्ट्रिंग पूल के अंदर करता है, एक्सप्लिसिट करता है तो नॉर्मल हीप के अंदर करता है। जब भी वो स्ट्रिंग पूल में ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है स्ट्रिंग पूल के अंदर, तो वो उसका रेफरेंस अपनी इंटरनल लिस्ट के अंदर भी मेंटेन करके रखता है। यहाँ तक आगे समझ में? सो जब आपका सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ऐसा कुछ होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, आपने जो है फिर से जो है ये जेबीएम को बोला कि एक और इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, तो आपके आपका जेबीएम बोलेगा ओके मैं करता हूँ भाई, एक और इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। सो कहाँ क्रिएट करूँगा? स्ट्रिंग पूल में क्रिएट करूँगा। हाँ, बट एक्चुअली जब आपने ये पहला ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, ये एस टू इक्वल्स टू हेलो, आपके जेबीएम ने एक काम किया था, वो काम मैंने आपको नहीं बताया, वो स्टेप मैंने स्किप कर दिया था जानबूझ के। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, होता क्या है, जब भी आपका जेबीएम आपके लिए इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ओके, इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है मीन्स जब आपने न्यू स्ट्रिंग नहीं लिखा हुआ है, इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो स्ट्रिंग पूल के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले आपका जेबीएम ये जो इंटरनल लिस्ट है इसके अंदर चेक करता है कि क्या जिस वैल्यू से वो नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला है उस वैल्यू से ऑलरेडी कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इसके अंदर एग्जिस्ट तो नहीं करता है, और अगर करता है ओके, तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, वो पुराने रेफरेंस को ही अपनी इंटरनल लिस्ट से यूज करेगा और रिटर्न कर देगा। ओके, सो फिर से देखिए क्या होता है। इस स्टेप ने आपने अपने जेबीएम को बोला कोर्स हेलो, आपके जेबीएम को पता चल गया कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है, बट यहाँ पे जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो आपका जेबीएम एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्ट्रिंग पूल में क्रिएट करने से पहले वो इस लिस्ट के अंदर आएगा, और इसके अंदर एक एक करके जितने रेफरेंसेस हैं सब में सर्च करेगा कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा रेफरेंस है जो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर वही वैल्यू है जिस वैल्यू से उसको नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो वो यहाँ पे से सपोज एक रेफरेंस है, यहाँ पे एक रेफरेंस है, यहाँ पर एक रेफरेंस है, राइट, और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं सपोज, ओके, तो पहले रेफरेंस को यहाँ से उठाएगा और देखिएगा कि ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ये इससे सपोज इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर देखेगा क्या वैल्यू है, वो देखेगा कि इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है और जो जिस वैल्यू से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो कहीं सेम तो नहीं है, सेम है तो कुछ करेगा वो, सेम नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट तो पहुंच गया, नेक्स्ट रेफरेंस दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हो, उसकी वैल्यू भी सेम नहीं है, फिर नेक्स्ट देखेगा उसकी वैल्यू भी सेम नहीं है, फिर ऐसे ऐसे करते करते वो एक पॉइंट होगा एक समय पे कभी ना कभी तो यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे देखेगा कि ये जो रेफरेंस है 111 वो कौन से ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो वो इस रेफरेंस को यूज करके 111 को कहाँ पे पहुँच जाएगा, कहाँ पे पहुँच जाएगा दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट के पास पहुँच जाएगा और इसको चेक करेगा कि इसके अंदर क्या वैल्यू है, वो देखता है इसके अंदर वैल्यू है एच ई एल एल ओ, देखता है यार नया जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसकी भी वैल्यू एच ई एल एल ओ हो, इसका मतलब सेम वैल्यू से मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आपका जेवीएम क्या करेगा, वो यहाँ पे एक और नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, वो यहाँ पे एक और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। ओके, क्या करेगा वो,
वो इसी रेफरेंस को, वो इसी रेफरेंस की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, वो इसी रेफरेंस की वैल्यू को रिटर्न कर देता है, जिससे क्या होगा, आपका S3 के अंदर क्या कॉपी हो जाएगा, 1 1 1, दैट मीन्स S3 आपका इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। सो कहने का मतलब क्या है, जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी आपका इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, आपका JVM नया ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग पूल में क्रिएट करने से पहले अपनी इंटरनल लिस्ट के अंदर चेक करता है कि क्या इस नाम से ऑलरेडी कोई अपनी इंटरनल लिस्ट के अंदर चेक करता है। इंटरनल लिस्ट क्या है, आपका JVM एक इंटरनल लिस्ट मेंटेन करके रखता है उन सारे ऑब्जेक्ट्स की जो स्ट्रिंग पूल के अंदर क्रिएट किए गए हैं। स्ट्रिंग पूल के अंदर ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट होते हैं जब वो इम्प्लिसिट क्रिएट होते हैं। कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले आपका JVM सारे रेफरेंसेस को चेक करता है जो इंटरनल लिस्ट के अंदर हैं। अगर उसको एक भी ऑब्जेक्ट ऐसा मिल जाता है जिसकी वैल्यू या जिसका कंटेंट सेम है जिस वैल्यू से हमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो वो नया ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रिंग पूल में नहीं क्रिएट करता है, जबकि क्या करता है, उसी रेफरेंस को वो रिटर्न कर देता है जिसको आप कहाँ स्टोर कर लेते हैं, नए रेफरेंस वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे जो रेफरेंस वेरिएबल का नाम S3 है, जैसे कि आपने देखा। सो बिकॉज ऑफ दैट, जो भी मैंने आपको समझाया, आपका S2 और S3 सेम ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेंगे, आपका S2 और S3 सेम ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, राइट। अब एक और चीज दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लियर करने के लिए, ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं वैसे, आपको क्लियर होगा, बट फिर भी आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी चांस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए, अब देखिए यहाँ पे आपने एक और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है S4, बट इस बार आपने कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और आपको पता है एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली हीप के अंदर क्रिएट करते हैं, तो आपका JVM एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, इसके अंदर डाल देगा हेलो, और S4 से एक लोकल रेफरेंस क्रिएट होगा स्टैक के अंदर, उसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 0 1, विच मीन्स ये इसको रेफर कर रहा है, ओके। सो आपकी ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गई। सो अगर न्यू स्ट्रिंग लगा है तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट आपका हीप में क्रिएट होगा, और जितनी बार भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो उतनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा हीप के अंदर। सारी नौटंकी जो है किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के लिए है, जब आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग पूल के अंदर क्रिएट होता है, स्ट्रिंग पूल के अंदर क्रिएट होता है। और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि एक JVM के इंस्टांस के अंदर, JVM के एक इंस्टांस के अंदर, ठीक है, जब एक बार आपने JVM स्टार्ट किया तो स्ट्रिंग पूल के अंदर हमेशा यूनिक स्ट्रिंग्स होंगी, मींस सेम वैल्यू से दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका JVM कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले इस स्ट्रिंग पूल में वो इंटरनल लिस्ट चेक करता है। इंटरनल लिस्ट के अंदर अगर उसको सेम ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो वो उसी स्ट्रिंग पूल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट रिटर्न कर देता है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट इन स्ट्रिंग पूल, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस प्रोग्राम को रन करें तो क्या होगा, S1 = S2, यानी S1 के अंदर जो बिट पैटर्न पड़ा है उसको S2 के साथ वैलिडेट कीजिए, ओके। अब आपको पता है आपका इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, बिट बाय बिट
बिट पैटर्न को चेक करता है। तो आपका जेवीएम क्या करेगा, एस वन पहला बिट क्या है वन, एस टू के अंदर पहला बिट क्या है वन, उसने कहा वेरी गुड इक्वल, नेक्स्ट बिट पे आ जाओ, नेक्स्ट बिट क्या है, पहला बिट क्या है वन, दूसरा बिट क्या है वन, उसने बोला ओके वेरी गुड, एस वन के अंदर नेक्स्ट बिट क्या है जीरो, एस थ्री के अंदर एस टू के अंदर नेक्स्ट बिट क्या है वन, उसने जैसे ही देखा डिफरेंस उसने बोला दीज टू रेफरेंसेस आर नॉट इक्वल, दीज टू रेफरेंसेस आर नॉट इक्वल, राइट। सो इसकी वजह से ये जो पहली स्टेटमेंट है इसका आउटपुट क्या है, फॉल्स है। और ये आप में से सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा क्योंकि हमने जो है लास्ट क्लास में ये पढ़ा भी था। सो पहले का आउटपुट जो है इसलिए है फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट में आ जाइए, आपका सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, आपने कहा एस टू इक्वल्स इक्वल्स एस थ्री, राइट। अगर हमने ये हमें ये स्ट्रिंग पूल वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि अगर जो है दो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं और उस क्योंकि स्ट्रिंग पूल में क्रिएट हुए हैं तो आपका जेवीएम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम क्या बोलेंगे, एस टू और एस थ्री क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो भी क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। बट क्योंकि हमें अब स्ट्रिंग का पूरा कॉन्सेप्ट पता चल गया है तो हम क्या देखेंगे कि एस टू के अंदर और एस थ्री के अंदर क्या बिट पैटर्न पड़ा है, आपका जेवीएम ये चेक करेगा। तो आपका जेवीएम को बोली चेक करने के लिए, तो आपका जेवीएम क्या करेगा, एस वन का पहला बिट उठाएगा और एस थ्री का पहला बिट उठाएगा, उसने देखा वन वन पड़ा है, उसने बोला सही है, इसका दूसरा बिट उठाया एस थ्री का दूसरा बिट उठाया, उसने क्या देखा वन वन है, तो उसने बोला ये तो और भी सही है, फिर उसने तीसरी बिट उठाई, तीसरी बिट क्या है वन, एस टू का जो है तीसरी बिट क्या है वन, उसने बोला ये भी सही है। तो एक एक करके जितनी भी बिट था बिट पैटर्न जो भी बिट पैटर्न था आपका एस टू और एस थ्री के अंदर उसने चेक कर लिया, उसने पाया कि बिट बाय बिट एस टू और एस थ्री रेफरेंस के अंदर वैल्यू सेम है, तो आपका जेवीएम बोलेगा कि ट्रू, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट का जो आपका आउटपुट है वो ट्रू आया है। ये है कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, उसे ध्यान में रखिए। ओके ओके okay. अब क्योंकि हमने ये इक्वल के ऊपर देख रहे हैं तो एक और चीज देख लेते हैं। आपने भी देखा था एस वन इक्वल्स इक्वल्स एस टू, क्या आउटपुट इसने दिया था, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स क्यों आया था, देखिए फॉल्स आएगा, अभी इसको मैं वापस से रन करता हूँ, फॉल्स आया है। फॉल्स क्यों आया दोस्तों, क्योंकि एस वन आपका हीप में क्रिएट हुआ, एस टू आपका कहाँ पे क्रिएट हुआ है, स्ट्रिंग पूल में, और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं इसलिए फॉल्स आया है। अभी हम एक काम करते हैं, डॉट इक्वल्स क्या आउटपुट आएगा, बताइए क्या आउटपुट आएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू का। ओके, अगर मुझसे कोई कोई इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता है मैं तो बोलता हूँ आई डोंट नो, ठीक है,
कभी भी अगर आपको इक्वल्स मेथड का क्वेश्चन पूछा जाए किसी क्लास पे, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि सर अगर आपको जैसे पता है इक्वल्स मेथड के बारे में उस क्लास के अंदर कैसे ओवरराइड किया गया इक्वल्स मेथड को, कैसे नहीं किया गया है, तो आप आंसर दे सकते हैं। बट अगर आपको नहीं पता इक्वल्स मेथड कैसे ओवरराइड किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। अब क्योंकि एक्चुअली मुझे पता है इक्वल्स मेथड जो है स्ट्रिंग क्लास के अंदर ओवरराइड किया गया है, तो मैं शायद इसका आंसर दे सकता हूँ। बट मैं आंसर दूँ उससे पहले आपको आंसर देना, उसको समझना ज़्यादा जरूरी। सो अगर आपको जो है याद हो कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि इक्वल्स मेथड, और हमने एक्चुअली देखा भी था कि इक्वल्स मेथड हर एक क्लास के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि ये इनहेरिट होता है हर एक क्लास के अंदर, कहाँ से? ऑब्जेक्ट क्लास से। अब बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो इक्वल्स मेथड है वो क्या करता है, वो इक्वल ऑपरेटर की तरह ही काम करता है इंटरनली। आपने देखा था यही डेफिनेशन लिखी है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर इक्वल मेथड की। बट हमने ये भी पढ़ा था कि इट्स काइंड ऑफ गुड प्रैक्टिस और शुड बी गुड हैबिट टू ओवरराइड द इक्वल मेथड एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे S1 = S2, और S1 जो है आपका स्ट्रिंग क्लास का S1 जो आपका स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हमें स्ट्रिंग क्लास के अंदर जाकर देखना पड़ेगा इक्वल्स मेथड वहाँ पे ओवरराइड है या नहीं, और अगर ओवरराइड है तो कैसे ओवरराइड है। ओके, चलिए देखते हैं कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर इक्वल्स मेथड ओवरराइड है या नहीं। ये देखिए आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास है। ओ माई गॉड, अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किया गया है। अब अगर ओवरराइड नहीं किया गया होता तो स्ट्रिंग क्लास के लिए भी इक्वल्स मेथड जैसे आपका इक्वल ऑपरेटर फंक्शनैलिटी देता है वैसे ही काम करता। बट क्योंकि स्ट्रिंग क्लास के अंदर इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किया गया है, तो आपका इक्वल्स मेथड जो है, दो जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कॉल किया गया है और जिसको पास किया गया है, वो आपका दूसरा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, दोनों के अंदर जा करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करता है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वैल्यू सेम है, ओके, तो वो करता है रिटर्न ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करता है? फॉल्स। अगर आप देखें इस मेथड के, ओके, ओके V1, ओके, वैल्यू जो है आपका एक कैरेक्टर एरे है, कैर एरे है, जिसके अंदर जो है वो सारे वन बाय वन करके जो है कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वन बाय वन कैरेक्टर है जिसके अंदर आपकी जो स्ट्रिंग जिन कैरेक्टर से मिलके बनी हुई होती है, तो हर एक कैरेक्टर उस कैरेक्टर एरे के हर एक एलिमेंट पे उसका एक वर्ड होता है, एक लेटर होता है उसका एक, ठीक है। सो V1 V2, ओके, ये देख लीजिए आप, ये V जो हुआ ये किसका कैरेक्टर एरे है, किसका कैर एरे है? डिस का। और ये कौन सा किसका कैर एरे है? V2 के अंदर जिसके जिसको पास किया गया है इक्वल्स मेथड के अंदर। सो ये मेरा S1 का होगा और ये S2 का होगा। आप फिर आइए यहाँ पे, ओके, ये देखिए V1 I++ नॉट इक्वल्स टू V2 J++। जहां पर भी नॉट इक्वल्स आता है, ठीक है, वहीं पे क्या करना है? रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न ट्रू करना है। अगर उसको एक भी अनइक्वल कैरेक्टर नहीं मिलता है V1 और V2 के अंदर, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। बट एक भी अनइक्वल कैरेक्टर मिल जाता है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो कहने का क्या मतलब है कि आपका जो स्ट्रिंग क्लास है उसके अंदर इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किया गया है, और इस तरीके से ओवरराइड किया गया है कि वो दो ऑब्जेक्ट के अंदर घुस करके एक्चुअल जो कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है उसके ऊपर चेक करता है। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको रन करता हूं।
देखिए आउटपुट क्या आया है, ट्रू। तो इसको ध्यान में रखिएगा, राइट। ध्यान में क्या रखना है आपको, ध्यान में आपको ये रखना है कि इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर ओवरराइड किया गया है, और इस तरीके से ओवरराइड किया गया है कि वो दो ऑब्जेक्ट्स के कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस को चेक करता है। तो इसका आउटपुट इसलिए ट्रू आएगा, जैसे कि अभी आपने देखा। ओके, अभी ये मेरा S1 हो गया, ये S2 है। ओके, इसको हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे आइए, अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको जो है इंटर्निंग के बारे में कुछ बताया था, इंटर्न बताया था एक, ठीक है। सो एक्चुअली आपकी स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम है इंटर्न, राइट। सो अब ये जो है, जब आपका जो है S2 क्रिएट होगा, तो आपको पता है कि आपका जो है ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा, स्ट्रिंग पूल के अंदर। स्ट्रिंग पूल के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपका JVM जो है उसके रेफरेंस को कहाँ डाल देगा, इंटरनल लिस्ट के अंदर भी डाल देगा। ओके, और जब कभी भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस मेथड के अंदर दोस्तों, कहीं पर भी, ठीक है, अगर हेलो नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अगर आप क्रिएट करते हैं कहीं पे भी, तो आपका JVM नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, नया इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। ओके, बट वॉट अबाउट दिस, आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, ओके, आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आपको पता है कहाँ पे क्रिएट हुआ है, कहाँ पे क्रिएट हुआ, हीप के अंदर। ओके, और जो ऑब्जेक्ट्स आपका JVM हीप में क्रिएट करता है, वो उनकी इंफॉर्मेशन को इंटरनल लिस्ट के अंदर नहीं रखता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले। बट हमारी स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप हीप के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इंटरनल लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, इस केस में क्या होगा, चलिए मैं आपको रन करके दिखा, अभी करते हैं। आपने पहले देखा था ना S1 equals S2 का आउटपुट क्या आया था, फॉल्स आया था। अभी रन करके देखते हैं, देखिए क्या होता है, इस बार देखिए ट्रू आया। क्यों ट्रू आया है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है किसी से। हाँ जी, एक बार फिर से इस प्रोग्राम को देख लेते हैं दोस्तों, इंटर्न मेथड को देख लेते हैं। मेन मेथड कॉल हुआ, इसके बाद क्या होगा, आपको पता है कि आपके हीप के अंदर एक स्ट्रिंग पूल भी होगा। सो दिस इज योर, दिस कंप्लीट थिंग इज योर हीप, बट दिस थिंग इज पूल। ओके, सभी आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो आप देखिए इस बार आपने जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, बट ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट है। सो एक्सप्लिसिट, क्योंकि ये एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट है, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट होगा, नॉर्मल हीप के अंदर क्रिएट होगा, राइट। कहाँ पे क्रिएट होगा, हीप के अंदर क्रिएट होगा, सिर्फ ये यहाँ पे क्रिएट होगा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो। ओके, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहाँ रिटर्न हो जाएगा,
S1 के अंदर, S1 आपका कहाँ पे क्रिएट होगा, स्टैक के अंदर। सो ये होगा आपका 0 1 1। ओके नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है। अब आपको पता है कि आपकी जेवीएम के पास एक इंटरनल लिस्ट होती है और वो उस लिस्ट के अंदर जितने भी स्ट्रिंग पूल के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं उनकी लिस्ट रखता है। ठीक है, 0। ठीक है, अब ये और ये सेम नहीं हो सकता, नहीं तो ये भी इसी को पॉइंट करेगा। बट यहाँ पे जो रेफरेंसेस होते हैं वो किसके होते हैं, स्ट्रिंग पूल वाले होते हैं, इसलिए मैं मुझे चेंज करना पड़ा। सो इस तरीके से सम वैल्यूज। अभी आपने फिर से अपने जेवीएम को बोला कि भाई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, स्ट्रिंग टाइप, इम्प्लिसिट स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, तो आपका जेवीएम को ऑब्वियसली कहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग पूल के अंदर। अब स्ट्रिंग पूल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले आपका जेवीएम इस इंटरनल लिस्ट के अंदर आता है और चेक करता है कि क्या इस नाम से ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी तो स्ट्रिंग पूल के अंदर क्रिएटेड नहीं है। तो उसने देखा यार ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये यहाँ जाके देखा नहीं ये तो कुछ और है, फिर इसको देखा ये कुछ और को पॉइंट कर रहा है, इसको देखा ये तो कुछ और ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। मतलब ये जितने भी रेफरेंसेस हैं आपके इंटरनल लिस्ट के अंदर अभी, उनमें से कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करता है जिसके अंदर हेलो हो। तो आपका जेवीएम को क्या करना पड़ेगा, अभी एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, बट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट करेगा, स्ट्रिंग पूल के अंदर, और उसके अंदर क्या डाल देगा, हेलो। ओके और इसके बाद वो इसके रेफरेंस को कहाँ स्टोर करेगा, S2 के अंदर। S2 के अंदर ला से सपोज उसका जो रेफरेंस है वो है आपका 0 0 0 1। हम बोलेंगे हमारा S2 इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, आपकी इस इंटरनल लिस्ट के अंदर भी जेवीएम एक एंट्री कर देगा और यहाँ पे क्या डालेगा, वो 0 0 0 1, विच मीन्स ये रेफरेंस भी इंटरनल लिस्ट का इसी ऑब्जेक्ट को, इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप आ जाइए, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, ये इंटरनल मेथड के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आपने अपने जेवीएम को बोला S1 डॉट इंटर्न क्या होगा। ये इंटर्न मेथड क्या करता है, ये मेथड इस इंटरनल लिस्ट के अंदर आता है और चेक करता है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा रेफरेंस है जो ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसकी वैल्यू S1 जैसी हो। ठीक है, वो ये चेक करेगा कि क्या इस इंटरनल लिस्ट के अंदर कोई एक ऐसा रेफरेंस है जो, और दूसरे तरीके से अगर मैं बोलना चाहूँ, ये इंटर्न मेथड क्या करता है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस मेथड को कॉल किया गया है, ये इंटर्न मेथड उसकी वैल्यू को दे उठाता है और चेक करता है कि क्या इस वैल्यू से कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग पूल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस केस में वो पहले इस रेफरेंस को देखेगा, बोलेगा हाँ ये तो किसी और को पॉइंट कर रहा है, ये इसकी वैल्यू तो कुछ और है, इसकी इसकी वैल्यू तो कुछ और है, इसकी इसकी वैल्यू तो कुछ और है, इसका ओहो इसका वैल्यू तो कुछ और है, फिर वो इस पे आएगा, इसका इसका हेलो, ओ S1 भी मेरा हेलो है
और ये जिस रेफरेंस को रेफर कर रहा है उसका नाम भी हेलो है। तो आपका इंटर्न मेथड क्या करता है, वो इस को रिटर्न कर देता है, ठीक है, वो इस रेफरेंस को रिटर्न करता है। अब ये रेफरेंस जब रिटर्न हुआ है, ठीक है, तो आपने उसको कहाँ स्टोर किया है, देखिए इंटर्न मेथड ने ये रेफरेंस रिटर्न किया 011, आपने उसे कहाँ स्टोर कर दिया, S1 के अंदर। सो आपका ये जो S1 था जिसके अंदर 011 था, जिसकी वजह से वो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, अब वो वहाँ पे क्या वैल्यू आपने स्टोर कर दी, 0001, विच मीन्स आपका S1 भी अब इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा और ये लिंक डिलीट हो जाएगा, राइट। अब क्योंकि इस वाले ऑब्जेक्ट को कोई पॉइंट नहीं कर रहा, तो एक्चुअली आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट ये गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ओके, सो दोस्तों ये इंटर्न मेथड का काम है। इंटर्न मेथड का एक और काम है, नाउ लेट्स से सपोज ये रेफरेंस यहाँ पे नहीं होता और आपके इंटर्न मेथड को इस इंटरनल लिस्ट को उस वैल्यू से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हीप के अंदर, स्ट्रिंग पूल के अंदर नहीं मिलता, तो उस केस में आपका ये इंटर्न मेथड क्या करता है, वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है आपके स्ट्रिंग पूल के अंदर और उसका रेफरेंस रिटर्न करता है, ठीक है, उसको जो है इस इंटरनल लिस्ट के अंदर भी ऐड कर लेगा और उस रेफरेंस को रिटर्न कर देता है। सो उस केस में अगर ये हमारा हेलो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ हेलो नाम से क्रिएट होता और उसका रेफरेंस यहाँ भी स्टोर होता और वही जो है आपने जो है बाद में S1 के अंदर स्टोर किया होता, S1 के अंदर स्टोर कर दिया होता, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका इंटर्निंग प्रोसेस है, ओके, और ये इंटरनल मेथड है, इंटर्न मेथड। आज चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगे हम क्या देखने वाले हैं, ओके, S1 equals S1 plus hi. Okay. Question है, what will be output for S3 और S1, ओके, क्वेश्चन ये है कि अगर हम प्रिंट करेंगे S1 और S3 की वैल्यू को तो क्या आउटपुट आएगा, ओके, सोचिए बताइए। अब अगर याद, आपको याद है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो पीछे अभी जो अभी हमने 10 मिनट पहले एग्जांपल किया था उसके अंदर हमने देखा था कि स्ट्रिंग पूल के अंदर सेम कैरेक्टर स्ट्रिंग से, ठीक है, सेम स्ट्रिंग दो बार क्रिएट नहीं होती हैं, आपका JVM सेम रेफरेंस को ही बार बार रिटर्न करता रहता है, यही देखा था। सो एक्चुअली आपका S2
S1 और S3 तीनों के तीनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होंगे। इस स्टेटमेंट में देखिए क्या हुआ। इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने S1 की वैल्यू को चेंज कर दिया, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि S2 और S3 को अगर मैं भी हाँ S2 और S3 को अभी अगर मैं प्रिंट करूं तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, हेलो कॉन्कैटिनेट करके हाय, नहीं चलिए इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। S1 ओके देखते हैं। S3 हेलो, S2 हेलो और S1 की वैल्यू वैल्यू जो है हेलो हाय है। वाह, हाउ इज दैट पॉसिबल। ओके चलिए अब इस चीज को समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग का। ओके और वो क्या कॉन्सेप्ट है अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, वो क्या है, और उसको कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इम्यूटेबल। दैट इज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा। स्ट्रिंग क्लास इज इम्यूटेबल, उससे क्या मतलब है वो देखते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन राइट लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो आपका जेवीएम सबसे पहले क्या करेगा, मेन मेथड कॉल करेगा। अभी जब वो मेन मेथड कॉल करेगा तो ऐसा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपको पता है कि जेवीएम की अपनी एक इंटरनल लिस्ट है, सोर्सेस से सपोज वो इंटरनल लिस्ट है, और इसके अंदर कुछ ऑलरेडी वैल्यूज पड़ी हैं जो यहाँ तक हैं। ओके अभी आपका जेवीएम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, जो आपका जेवीएम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, से सपोज ये आपका स्ट्रिंग पूल है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले वो देखता है, आई मीन जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो आपका जेवीएम देखता है कि उसे जो है स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बट वो जो स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, इम्प्लिसिट है राइट। सो
सो आपका जेवीएम क्या करेगा, आपका जेवीएम क्या करेगा बताइए, वो नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग पूल के अंदर हेलो नाम से या हेलो वैल्यू से क्रिएट करने से पहले वो इस स्ट्रिंग पूल के अंदर आएगा, स्ट्रिंग पूल के अंदर चेक करेगा क्या कोई रेफरेंस है, या बेसिकली वो यहाँ पे चेक करेगा, जैसा भी आपको समझना आप समझ सकते हैं, चेक करेगा कि क्या कोई यहाँ पे ऐसा रेफरेंस है, एक एक करके सारे रेफरेंस को चेक करेगा और चेक करेगा क्या कोई ऐसा रेफरेंस है जो एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसकी वैल्यू हेलो है, तो ऑब्वियसली इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा जिसका जिसके अंदर वैल्यू हेलो है, तो आपके जेवीएम क्या करेगा, वो एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसके अंदर वैल्यू क्या डाल देगा, हेलो, और इसके रेफरेंस को कहाँ पे इसके इसका रेफरेंस रिटर्न करेगा इस मेमोरी लोकेशन का जो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, S2 के अंदर, नाउ से सपोज दैट रेफरेंस इज 011, तो हम बोलेंगे हमारा S2 इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है और इसी चीज को सेम रेफरेंस वैल्यू को वो अपने इंटरनल लिस्ट के अंदर भी स्टोर करके रख लेगा फर्दर यूज के लिए, सो ये भी इसी को रेफर कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, सेकेंड स्टेटमेंट में आई, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या होगा, अगेन आपने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है विद वैल्यू हेलो, सो नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग पूल में क्रिएट करने से पहले आपका जेवीएम यहाँ पे आएगा और चेक करेगा कि क्या कोई यहाँ पे रेफरेंस है जो ये स्ट्रिंग पूल के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर वैल्यू हेलो ही है, तो देखता है एक एक करके उस यहाँ पर आएगा, यहाँ पे देखेगा कि ये जो 011 रेफरेंस है वो स्ट्रिंग पूल के अंदर एक ऐसे ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर वैल्यू हेलो है, सो आपका जेवीएम क्या करेगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, वो इसी रेफरेंस को रिटर्न कर देगा, अभी वो इसी रेफरेंस को रिटर्न करेगा तो आपके S1 के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 011, तो हम क्या कहेंगे S1 हमारा इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ओके, सो आपका जब सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ऐसा हो जाएगा, ओके अभी जब आपका सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ऐसा हो जाएगा, ओके थर्ड स्टेटमेंट में आइए, थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे क्या लिखा आपने, यहाँ पर आपने क्या किया, फिर आपके जेवीएम ने देखा कि मुझे एक और स्ट्रिंग इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसका नाम जिसकी वैल्यू हेलो ही है, सो अगेन वो इधर चेक करेगा, यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे एक ऑलरेडी रेफरेंस है जो एक हेलो वैल्यू से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो नया ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करके वो इसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करेगा जो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, S3 के अंदर, सो यहाँ पर एक और रेफरेंस क्रिएट होगा S3, उसके अंदर क्या आ जाएगा 011, तो हम क्या कहेंगे हमारा S3 भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, सो जब ये तीनों स्टेटमेंट्स दोस्तों एग्जीक्यूट होंगी तो ऐसा हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा S1, S2 एंड S3 तीनों ही सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहे हैं, ओके अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट हो, ठीक है, सबसे पहले आपको पता है जेवीएम जो है किसी भी स्टेटमेंट को इस डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, ओके सो आपका जेवीएम सबसे पहले एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, हाई, ओके सो यहाँ पर एक स्ट्रिंग पूल के अंदर देखिए, क्योंकि ये अगेन ये भी इम्प्लिसिट तरीके से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, इम्प्लिसिट तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, तो कहाँ पे क्रिएट होगा, स्ट्रिंग पूल के अंदर हाई, इस तरीके से राइट, वो उसके रेफरेंस को कहाँ पे डाल देगा, इंटरनल लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग पूल के अंदर अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो वो इस इंटरनल लिस्ट के अंदर तो आएगा ही आएगा, ओके सो
सपोज ये है, रेफरेंस सेम नहीं हो सकता इस मेमोरी लोकेशन के लिए भी इस मेमोरी लोकेशन के लिए, राइट? ऑब्वियसली सो ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। आपने कहा प्लस, यानी कॉन्कैटिनेट कर दो एस वन की जो वैल्यू है। ओके अब दोस्तों एक मिनट के लिए सोच के आप देखिए, ठीक है। से सपोज एस वन जिसको पॉइंट कर रहा है, एस वन इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसके अंदर क्या है, हेलो, हेलो प्लस हाय। ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होती और इसका जो आउटपुट है वो ऐसा कुछ हो जाए, हेलो हाय, राइट, ये ऑब्जेक्ट बन गया। कहने का क्या मतलब है, एस वन जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है क्योंकि उसी को कॉन्कैटिनेट किया गया है और किया गया है, तो वो उसी की वैल्यू चेंज कर दे, वो उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज कर दे। तो एस वन जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हेलो हाय। क्यों? क्योंकि हाय एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने, प्लस कर दिया एस वन के अंदर जो कुछ भी था, दोनों को ऐड कर दिया, एस वन के अंदर हेलो था और हाय इधर है, तो हेलो हाय हो गया। अब अगर ऐसा होता, ओके, तो शायद मैं आपको जावा पढ़ा नहीं रहा होता, ना तो आप मुझसे जावा पढ़ते, ठीक है। आप जावा पढ़ते ही नहीं, आप .NET पढ़ते, PHP पढ़ते, C पढ़ते, C++ पढ़ते। क्यों? क्योंकि हम बोलते जावा एक अच्छी लैंग्वेज है ही नहीं, जावा के अंदर तो बहुत इनकंसिस्टेंसी है। क्यों भाई ऐसे क्यों बोलते हैं, आप खुद से देखिए। पहली बात तो S1, S2, S3, S1, S2 और S3 तीनों के तीनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे थे। मैंने अपने बहुत बड़ा मेरा सॉफ्टवेयर है, राइट, हजार मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा हजार जगह पे हेलो नाम से। मैंने किसी और कोने में जा करके S1 जो हेलो को पॉइंट कर रहा था उसके थ्रू ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कर दी, बाकी 9999 ऑब्जेक्ट भी अपने आप चेंज हो जाएंगे। इसके अंदर देखिए, मैं सिर्फ S1 को चेंज करना चाहता हूँ, बट अगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू चेंज हो गई तो आपका S2 और S3 की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपका जो है S2 और S3 के अंदर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, राइट, S2 और S3 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, विच इज वेरी बैड, जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो इनकंसिस्टेंसी डाल देगा, है ना। S1 की वैल्यू मैंने चेंज की तो S2 और S3 की वैल्यू भी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि S1 के अंदर मैंने हाई ऐड किया, और अगर सेम ऑब्जेक्ट ही के अंदर उसने इस वैल्यू को अपेंड किया होता तो ऐसा होता, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जावा के अंदर ऐसे सिनेरियोज होंगे, ठीक है, जावा के अंदर ऐसे सिनेरियोज होंगे जिन लोगों ने जावा को बनाया है और उन्होंने स्ट्रिंग के अंदर ये फंक्शनैलिटी डाली थी। कौन सी फंक्शनैलिटी? कि स्ट्रिंग पूल होगा, और जब भी आप इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे आपका JVM बार बार नए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है ये भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो बार बार जो है हम इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करेंगे, और बार बार क्योंकि हम इम्प्लिसिट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करेंगे तो ऐसे सिचुएशंस होंगी जहां पर मल्टीपल रेफरेंसेस सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अब अगर किसी ने एक ऑब्जेक्ट को चेंज किया तो बाकी सारे ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। अब किसी ने अगर जो है एक रेफरेंस को चेंज किया या एक रेफरेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट को चेंज किया तो बाकी के सारे ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे रेफरेंसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आ जाएगा। ऐसा ना हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी ना आए, सन माइक्रो सिस्टम ने आपकी स्ट्रिंग क्लास को इम्यूटेबल बनाया है।
आपकी स्ट्रिंग क्लास को इम्यूटेबल बनाया है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, कोई ऐसी चीज जो चेंज नहीं हो सकती है। तो सन मार्गो सिस्टम ने आपकी स्ट्रिंग क्लास को इम्यूटेबल बनाया है, मतलब स्ट्रिंग क्लास के अंदर आपने जो वैल्यू डाल दी है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। एक बार आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू कभी भी किसी तरीके से चेंज नहीं हो सकती। ओके, सो दोस्तों इस केस में क्या होगा आपका, फिर से बताता हूं, आपका हाई ऑब्जेक्ट बना स्ट्रिंग पूल के अंदर, राइट, प्लस ऑपरेटर आपने यूज किया हुआ है। प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, आपका ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू को लेगा और S1 जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, उसकी वैल्यू लेगा, और आपका JVM क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, हेलो हाय, राइट, ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, सो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। आपके JVM ने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस नए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न किया जाएगा, जिसको आपने देखिए कहाँ पे स्टोर कर लिया है, S1 के अंदर। सो S1 के अंदर 011 था, वो चेंज हो जा होकर के 1011 वन हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होगा कि S1 अब इस नई मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और ये रेफरेंस टूट जाएगा, ओके। सो S3 और S2 अभी भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं जिसके अंदर वैल्यू हेलो है। सो दोस्तों इसलिए कहा जाता है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू एक बार आपने डाल दी वो डाल दी, दोबारा कभी भी किसी तरीके से भी चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। सो अभी अगर आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, आपका JVM एग्जीक्यूट करेगा, तो S3 क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, S3 ये रहा, S3 किस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो क्या प्रिंट होगा, हेलो। S2 की, S2 ये है, ये इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, क्या वैल्यू प्रिंट होगी, हेलो। S3, S1 पे आ जाइए, S1 ये है, राइट, S1 यहाँ पर है, S1 कौन सा ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, इसके अंदर वैल्यू क्या है, हेलो हाय, आपका हेलो है, दैट्स इट। हेलो है, क्या होगा, हेलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। अब जो है इस चीज को भी समझ लीजिए कि जावा के अंदर ये इतना कुछ क्यों किया गया है, राइट, वो समझना जरूरी है। सो जब जावा बनाई जा रही थी तो जो लोग जावा बना रहे थे उन्होंने देखा कि कोई भी एप्लीकेशन बने, कोई भी सॉफ्टवेयर बन रहा है जावा के अंदर, तो उस एप्लीकेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं वो स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं वो स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, पॉइंट नंबर वन। उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर रन होता है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं वो स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। पॉइंट नंबर टू, उन्होंने जो पाया वो क्या है,
वो उन्होंने देखा कि या और ऐसा ऑब्जर्व किया, उनका एनालिसिस ऐसा था कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे मीन 70-80% जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं उनके अंदर सेम वैल्यू होती है। ठीक है, सो दो एनालिसिस की गई, दो फाइंडिंग्स आई एनालिसिस की कि सबसे ज्यादा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम 80% टाइम, 70-75% टाइम टाइम्स उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, अगर 100 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, बाकी क्लासेस के साथ एक या दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, लेकिन स्ट्रिंग क्लास के 100 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, 100 में से 80 ऑब्जेक्ट्स के की जो वैल्यूज हैं वो सेम ही रहती हैं मोर और लेस। ओके, तो उन्होंने जावा को और ज्यादा इफेक्टिव, एफिशिएंट, फास्ट बनाने के लिए उन्होंने ये दो कॉन्सेप्ट्स निकाले। ठीक है, कि अगर इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो हम इस इंटरनल लिस्ट में देखेंगे, और अगर कोई रेफरेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है इस इंटरनल लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर सेम जो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है स्ट्रिंग पूल में, जिसकी वैल्यू सेम है जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है, तो हम नया ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करके उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करते रहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये बनाया कि हम बार बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे स्ट्रिंग पूल के अंदर, अगर जो है इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किया जा रहा है और उस वैल्यू से ऑलरेडी स्ट्रिंग पूल के अंदर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो नया ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करके उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। सो इससे क्या हुआ, पहली चीज आपकी मेमोरी बच गई, आपके 50 ऑब्जेक्ट हैं जो, या 50 बार आपने अपने प्रोग्राम के अंदर हेलो 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 लिखा, आपका ऑब्जेक्ट कितनी बार क्रिएट होगा, एक बार, मेमोरी बच गई। मेमोरी अगर आपकी बची, दूसरा क्या बचा, जावा के अंदर ऐसा माना जाता है कि न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, नॉट न्यू ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, सबसे ज़्यादा टाइम लगाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेमोरी एलोकेट कर, मेमोरी फाइंड करना है सबसे पहली बात, तो फिर मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा, फिर उसका रेफरेंस रिटर्न करना पड़ेगा, फिर उसके कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करना पड़ेगा जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। सो आपके 50 ऑब्जेक्ट्स की जगह एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी मेमोरी बची, आपकी प्रोसेसिंग टाइम बची, आपका प्रोग्राम फास्ट हो गया। सो जावा को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट निकाला गया था। अब जब ये कॉन्सेप्ट निकाला गया तो उन्होंने देखा कि ऐसा जरूर होगा कि मल्टीपल रेफरेंसेस सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, अब किसी एक रेफरेंस ने जो है किसी प्रोग्राम के किसी पार्ट के अंदर जो है उसको चेंज कर दिया, तो बाकी सारे रेफरेंस की वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला कि इस स्ट्रिंग को हम इम्यूटेबल बना देंगे। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया कि भाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ओके, सो अभी देखिए हमने ये स्ट्रिंग क्लास की कहानी पढ़ी और हमने इक्वल्स मेथड देखा, इक्वल्स ऑपरेटर देखा, हमने देखा कि एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट हमेशा हीप के अंदर क्रिएट होते हैं, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग पूल के अंदर क्रिएट होते हैं, और इंटरनल इंटर्न क्या होता है, इंटरनल लिस्ट कैसे काम करती है, सारी चीज़ें हमने देखी। सो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर स्ट्रिंग आई मीन जावा के अंदर स्ट्रिंग बनाने के लिए, जावा के अंदर स्ट्रिंग बनाने के लिए। ओके कंटिन्यू, जावा के अंदर स्ट्रिंग बनाने के लिए दो और क्लासेस होती हैं। ओके, दो और क्लासेस होती हैं, एक होती है आपका स्ट्रिंग बफर और एक होती है स्ट्रिंग बिल्डर। एक आपका स्ट्रिंग बफर और दूसरा आपका स्ट्रिंग बिल्डर।
सर स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, सिर्फ एक डिफरेंस को छोड़ करके, बट स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर बहुत सारे डिफरेंस हैं, ठीक है? तो क्या डिफरेंसेस हैं, आइए देख लेते हैं उनको फटाफट। आइए देखते हैं। अब देखते हैं स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, सो ये आपका देखिए स्ट्रिंग बफर क्लास है। कौन सी क्लास है? स्ट्रिंग बफर क्लास हेलो करके जो इसके अंदर वैल्यू पास किए मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर, स्ट्रिंग बफर, और ये दो मैंने इक्वल ऑपरेटर और इक्वल्स मेथड को कॉल किया है स्ट्रिंग बफर क्लास के ऊपर। अब इसको रन करते हैं। चलिए रन किया मैंने, देखते हैं आउटपुट क्या है। आउटपुट देखिए दोनों का ही फॉल्स फॉल्स है, ठीक है? अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि इसका आउटपुट जो है फॉल्स फॉल्स क्यों आया है। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन लेते हैं। ओके, सो ऑब्वियसली आपका जो है एक स्ट्रिंग, आपका जो है हीप क्रिएट होगा। सो से सपोज दिस इज माय हीप, ये हमारा जो है मेन मेथड कॉल हुआ। जब फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो ऐसा होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा? ये आपका पूल है, स्ट्रिंग पूल है। ओके, स्ट्रिंग बफर के साथ जैसे हमने स्ट्रिंग की बहुत सारी बहुत लंबी कहानी पढ़ी, उससे रिलेटेड कोई भी चीज स्ट्रिंग बफर के साथ ट्रू नहीं होती है। तो कुछ भी वैसा नहीं है, ना तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं, ना उसके ऑब्जेक्ट मीन्स ना तो इम्प्लिसिट उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं आप, ना तो जो है वो इम्यूटेबल हैं, इम्यूटेबल नहीं है, और ना ही वो स्ट्रिंग पूल में क्रिएट होते हैं। स्ट्रिंग बफर उसी तरीके से बिहेव करती है जैसे कोई और क्लास करती है, लाइक फू क्लास करेगी या बार क्लास करेगी। स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट्स हमेशा हीप के अंदर क्रिएट होते हैं, और स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट म्यूटेबल भी होते हैं, ठीक है? म्यूटेबल भी होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, यहीं पे एक और स्टेटमेंट मैं लगा देता हूँ, S1 डॉट, वो भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी आ जाओ, क्या होगा?
जब फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपका जेवीएम क्या करेगा, नॉर्मल हीप के अंदर एक स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसके अंदर क्या रख देगा, हेलो, और ये मेमोरी लोकेशन का जो रेफरेंस है ठीक है उसे क्या करेगा, रिटर्न करेगा जो आपने कहाँ स्टोर कर लिया, एस वन के अंदर 0 1 1। यानी ये इसको रेफर करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए, नेक्स्ट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो आपका जेवीएम क्या करेगा दोस्तों, हीप के अंदर ही एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, मींस नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसका रेफरेंस कहाँ स्टोर हो जाएगा, एस टू के अंदर, इसको रेफर करेगा हम कहेंगे। दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने क्या किया, आपने कहा एस वन इक्वल्स इक्वल्स एस टू, मतलब क्या है, एस वन इक्वल्स इक्वल्स एस टू। जैसे देखिए एस वन इक्वल्स इक्वल्स एस टू कहने का क्या मतलब है, एस वन रेफरेंस के अंदर जो वैल्यू है और एस टू रेफरेंस के अंदर जो वैल्यू है उसको चेक कीजिए बिट बाय बिट। ओके, सो एस वन के अंदर क्या है, एस वन के अंदर वन है, एस टू के अंदर क्या है, वन, गुड। फिर नेक्स्ट बिट पे क्या है, वन, बट नेक्स्ट बिट पे यहाँ पे एस टू के अंदर क्या है, जीरो। यानी कि आपका जेपीएम इक्वल ऑपरेटर, आई मीन आपका इक्वल ऑपरेटर तुरंत क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि S1 के अंदर जो बिट पैटर्न पड़ा है वो S2 के अंदर नहीं पड़ा है, इन अदर वर्ड्स S1 S2 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट कर रहे हैं। सो इसका आउटपुट क्या हो गया, फॉल्स। सेकंड पे आ जाइए, अब ये सेकंड स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या आउटपुट होगा इसका, मैं तो बोल देता हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका सही आंसर देने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इक्वल्स मेथड इस एस वन यानी एस वन यानी ये स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर ओवरराइड है या नहीं, और अगर ओवरराइड है तो कैसे ओवरराइड है, ये जानना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है ये तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। और अगर ओवरराइड नहीं है, आपको एटलीस्ट अगर इतना पता है कि ओवरराइड नहीं है तो इक्वल्स मेथड इस स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट क्लास से आएगा, और ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो इक्वल्स मेथड है आपको उसकी डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए। उसकी डेफिनेशन क्या है, वो एकदम इक्वल ऑपरेटर की तरह ही काम करता है। सो देख लेते हैं, देखते हैं कि S1 के अंदर इक्वल्स मेथड ओवर एस वन जो स्ट्रिंग बफर क्लास का है उसके अंदर इक्वल्स मेथड ओवरराइड है या नहीं। ओपन इम्प्लीमेंटेशन, ओप्स, ये देखिए ऑब्जेक्ट क्लास खुल गई, ठीक है, स्ट्रिंग बफर क्लास नहीं खुली, ऑब्जेक्ट क्लास खुल गई। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर इक्वल्स मेथड ओवरराइड नहीं किया गया है। ये देखिए आपका इक्वल्स मेथड है, सॉरी, ये देखिए आपका स्ट्रिंग बफर क्लास है, इसके अंदर इक्वल्स मेथड को ओवरराइड नहीं किया गया है। ओके, ठीक है, इसके अंदर जो है इक्वल्स मेथड को ओवरराइड नहीं किया गया है। सो ऑब्जेक्ट क्लास से इक्वल्स मेथड आएगा, ऑब्जेक्ट क्लास से इक्वल्स मेथड आएगा मतलब ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो आप देखिए दिस इक्वल्स इक्वल्स ओबीजे। ओके, दिस इक्वल्स इक्वल्स ओबीजे, यानी यही आउटपुट होगा। सो इस वजह से इसका आउटपुट जो है वो क्या है, फॉल्स है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए। अब मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आपका ये जो है स्ट्रिंग बफर क्लास इम्यूटेबल नहीं होती है, वो एक्चुअली म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो चेंज की जा सकती है, जो बदली जा सकती है, अपडेट की जा सकती है। इम्यूटेबल मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज एट ऑल। ओके, सो यहाँ पे आ जाइए। अभी जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, तो देखिए आपने जो है डबल कोर्स के अंदर हाई लिखा है, तो डबल कोर्स के अंदर हाई लिखा है, इसका मतलब इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा? आपका पूल के अंदर, राइट। फिर आपने अपेंड मेथड के अंदर जो है इसको एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया है, अपेंड मेथड कॉल होगा। अपेंड मेथड एक्चुअली क्या करेगा, S1 के अंदर, S1 ऑब्जेक्ट के अंदर ही इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अपेंड कर देगा। सो हेलो, यहाँ पे देखो मैंने एक स्पेस भी दिया हुआ है, तो एक स्पेस आएगा और फिर इसी के अंदर हाई आ जाएगा। कहने क्या मतलब है, नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा। जैसे स्ट्रिंग के केस में आपने देखा था ना कि पूरा का पूरा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया था, स्ट्रिंग बफर के केस में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। जो S1 ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, जिस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, ओके, वो उसी के अंदर जा करके H और I लिख देगा। एक स्पेस डालेगा, एक H लिखेगा और एक I लिख देगा, हाई लिख देगा। तो वही का वही होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ओके, सो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर बहुत ही फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी 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 चेंज होगा, एक आपने कुछ इसके अंदर अपेंड किया, ऐड किया, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ अपेंड किया, ऐड किया, रिमूव किया, या कोई फॉर लूप के अंदर कुछ अपेंड या आप रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमेशा स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके ऐसे फंक्शनैलिटी को कीजिए इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट करके करेंगे और हमेशा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे नई वैल्यू से, तो स्ट्रिंग हमेशा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता रहेगा। बट अगर आपने स्ट्रिंग बफर यूज किया, तो वो क्या करेगा, वो नए ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर नए कैरेक्टर्स अपेंड करता चला जाएगा। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे उसमें एच आई हाई अपेंड कर दिया, फिर आपने उसके अंदर कुछ और ऐड किया जे, फिर और कुछ ऐड किया आपने के, फिर कुछ और आपने ऐड किया ए, फिर और कुछ ऐड किया बी, तो उसी सेम ऑब्जेक्ट के अंदर वो अपेंड करता चला जाएगा, नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा। अब नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा तो क्या होगा, आपकी जो है प्रोसेसिंग फास्ट होगी, ठीक है। और अगर इसी सेम चीज़ को आप स्ट्रिंग में करेंगे, तो एक ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट होगा, हेलो, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट चेंज तो हो नहीं सकता, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, हेलो हाय, फिर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कौन सा, हेलो हाय जे, फिर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा के के लिए, हेलो हाय जे के, फिर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, हेलो हाय जे जे के ए, लाइक दैट। सो बार बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, मेमोरी वेस्ट होगी और आपकी प्रोसेसिंग टाइम भी वेस्ट होगा, तो आपका एप्लीकेशन स्लो हो सकता है। सो स्ट्रिंग, ये आपका दोस्तों स्ट्रिंग बफर है। और स्ट्रिंग बफर इसलिए भी एफिशिएंट माना जाता है, जैसे कि आपको पता, इसके नाम से पता चल रहा है बफर, ये हमेशा अपने पास बफर, स्ट्रिंग बफर का जो ऑब्जेक्ट होता क्रिएट होता है, ये हमेशा अपने पास एक बफर रखता है, ठीक है, मतलब इसके पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं जहाँ पर नए कैरेक्टर्स हमेशा ऐड किए जा सकते हैं, ओके। और ये बफर का एक साइज होता है, सो जब तक वो लिमिट, उस लिमिट तक नहीं जाता है, सेम बफर, सेम ऑब्जेक्ट के अंदर ही ऐड होते चले जाते हैं वैल्यूज, पर जैसे ही जो है वो साइज, वो नंबर एक्सीड करता है, वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है विथ ग्रेटर साइज, बड़ी साइज के साथ, डबल साइज के साथ ऑलमोस्ट, ओके। सो अब
पुराने ऑब्जेक्ट से वैल्यूज नए ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाती हैं और उसके बाद प्लेंटी ऑफ नया स्पेस आ जाता है। तो अब फिर से अगर आप कुछ अपेंड करेंगे तो वो जो बफर है जिसको बोल रहे हैं हम लोग, एक्स्ट्रा जो स्पेस आया है वो उसमें ही ऐड होता चला जाता है। सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, राइट। अब एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा इस चीज के ऊपर गलती करते हुए। ये हम पूछते हैं, बताओ ये अगर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे इंटरव्यू में, आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि इस स्टेटमेंट के अंदर कोई कंपाइल टाइम एरर है या नहीं, तो कंपाइल टाइम एरर है या नहीं, रन टाइम एरर है या नहीं, या इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा आपको जो है अपना दिमाग लगाना है। और दिमाग क्या लगाना है बताइए, आप खुद ही बता दीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए इस तरीके से अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो आप एक्चुअली किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रिंग क्लास का। ये S1 जो रेफरेंस है ये किस क्लास का है, बफर, स्ट्रिंग बफर का है। यानी कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रिंग का, उस ऑब्जेक्ट को आप किसके रेफरेंस में असाइन कर रहे हैं, स्ट्रिंग बफर की। अभी तक जो है मैं आपको इतनी देर से स्ट्रिंग पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको एक बार भी बताया कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के केस में जो है पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट और रेफरेंस टाइप तभी डिफरेंस हो सकता है जब दोनों के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो। पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप तब हो तभी आप जो है आपका जो है जिधर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है उस साइड और जिधर रेफरेंस क्रिएट हुआ उस साइड अलग अलग क्लास हो सकती है। बट आप ध्यान दीजिए, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के बीच में कोई पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं। जब उनके बीच में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं है तो आप स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग बफर क्लास के रेफरेंस में कैसे डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काफ़ी बार पूछी जाती है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अब जो है एक आज का लास्ट टॉपिक है और वो है आपका स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, स्ट्रिंग बिल्डर। अब स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर क्या है? आपको जो मैंने भी जो डिफरेंसेस बताए हैं ना, या जो भी चीजें बताई हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के बारे में, वो सब कुछ एग्जैक्टली सेम तरीके से लागू होता है, सेम डिफरेंस है आपका स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में। सो जो भी डिफरेंस है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग के केस में, वही सेम डिफरेंस आपका स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर के केस में। स्ट्रिंग बिल्डर भी एक क्लास है जो स्ट्रिंग बफर की तरह काम करती है, ये भी अपने पास बफर लेके रखता है, इसके ऑब्जेक्ट के पास भी एक बफर होता है। सो जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है, जो भी नए कैरेक्टर्स अपेंड होते हैं, वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड होते चले जाते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर भी आपका जो है कोई इम्यूटेबल नहीं है, उसके ऑब्जेक्ट्स भी हमेशा हीप में क्रिएट होते हैं। सो इनफैक्ट एक्चुअली अगर मैं आपको ये बोलूँ कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है तो वो भी सही है, एक्सेप्ट वन डिफरेंस, ठीक है, एक्सेप्ट वन डिफरेंस। और डिफरेंस क्या है कि स्ट्रिंग बफर के जितने भी मैथड्स हैं वो सारे के सारे सिंक्रोनाइज्ड हैं, सारे के सारे सिंक्रोनाइज्ड हैं। और सिंक्रोनाइज्ड मैथड्स क्या होते हैं हम लोग पढ़ेंगे अभी थर्ड्स में, बहुत डिटेल के बारे में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस बारे में। सो सिंक्रोनाइज्ड मैथड्स क्या होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड मैथड्स वो मैथड्स होते हैं जो थर्ड सेफ होते हैं, जिसका मतलब क्या है कि उन मैथड्स को कॉल करने से पहले ऑब्जेक्ट को थर्ड को उस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस मेथड को कॉल किया गया है उसका लॉक लेना पड़ता है। ओके, सो जिसकी वजह से क्या होता है, वो आपका मेथड तो थर्ड सेफ हो जाता है, दैट्स फाइन, दैट्स वेरी गुड, बट आपका मेथड स्लो हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि हर आपका जो थर्ड है उसको जो है उसको कॉल करने से पहले ऑब्जेक्ट का लॉक लेना पड़ता है।
सो इसलिए कहते हैं राइट, बट स्ट्रिंग बिल्डर का कोई भी मेथड, मेथड एकदम सेम है, सेम कॉपी पेस्ट है, बट उसका कोई भी मेथड जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं है। स्ट्रिंग बिल्डर का कोई मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है, स्ट्रिंग बिल्डर का कोई मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है। सो आप जो है नॉर्मली किसी तरीके से भी कॉल कर सकते हैं। ओके, सो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको थ्रेड सेफ्टी चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर तो आप स्ट्रिंग बफर यूज कर लीजिए, बट थ्रेड सेफ्टी अगर आपका कंसर्न नहीं है, आपको कोई थ्रेड सेफ्टी से मतलब नहीं है, सो ऑलवेज बेटर कि आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज कीजिए, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग दूसरे मेथड से थोड़ा फास्ट होगी। ओके, सो गाइस ये था आपका स्ट्रिंग। आज के लिए इतना काफी है, अभी जो है नेक्स्ट सेशन में वापस से मिलेंगे और फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। थैंक यू, बाय बाय।